नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। 4 दिन बाद नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे पीएफ से लेकर बैंकिंग के नियम। बड़ी खबर, बिहार में होली के दिन कार्यक्रम पर लगी रोक, होलिका दहन में भी कम लोग होंगे शामिल, नीतीश सरकार का आदेश। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा फ्लाइट्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कोरोना की वापसी पर अब बिहार में लॉकडाउन नहीं, लेकिन 1 अप्रैल से केंद्र की नई गाइडलाइन। पश्चिम बंगाल और असम में रिकॉर्ड वोटिंग, पहले चरण में मतदाताओं ने दिल खोलकर किया मतदान। सभी निजी आईटीआई में बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जुड़ेगा स्टूडेंट का आधार, बिना क्लास किए परीक्षा देने की विभाग को मिली शिकायत। पंचायत चुनाव में दोबारा निर्वाचन लड़ने की शर्त पूरा करने से बचे हैं महज 3 दिन, जाने कौन लोग होंगे अयोग्य घोषित। 1 से 7 तक स्क्रूटनी के लिए करे आवेदन, कंपार्टमेंटल परीक्षा 29 अप्रैल से। दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ी भीड़, होली में दिल्ली और बेंगलुरु से आने वाले यात्रियों को देना पड़ रहा है दोगुना किराया। दोबारा कोरोना पॉजिटिव होना संभव, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्थिति नहीं होगी गंभीर। अब खबरें विस्तार से। 4 दिन बाद यानी कि 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन से पीएफ से लेकर बैंकिंग, टीडीएस जैसे कई अहम नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, इसीलिए काम की ये खबर आप जान लीजिए। केंद्र सरकार ने अपने बजट में ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में फेरबदल का ऐलान किया है। नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा दिया गया है। अब तक ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था। अब अगर आप 1 साल में 2.5 लाख तक की राशि ईपीएफ में जमा करते हैं तभी ब्याज पर टैक्स नहीं मिलेगा। अगर आपके ईपीएफ में जमा की गई राशि साल में 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने ईपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपए जमा किए हैं तो ये रकम 2.5 लाख की सीमा से 50,000 रुपये ज़्यादा होगी। इस 50,000 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा उस पर सरकारी नियमों के मुताबिक टैक्स लगेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम या अन्य गतिविधियों पर सरकार ने रोक लगा दी है। पब्लिक प्लेस में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। बिहार के डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से संयुक्त रूप से यह आदेश जारी किया गया है। शनिवार के दिन बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने संयुक्त रूप से पत्र जारी कर कहा है कि होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि होली से पहले होलिका दहन के दिन भी कम संख्या में लोग एकत्रित होंगे। इस दौरान लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होगा। होली और होलिका दहन के साथ साथ सब्य बारात को लेकर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सब्य बारात को लेकर भी कम से कम लोगों की उपस्थिति होने का आदेश दिया गया है। जो भी लोग इस त्यौहार में शामिल होंगे वो भी कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखेंगे। साथ ही कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटियों को अपने स्तर से कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन का आदेश दिया गया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिथिला में विकास का नायाब तस्वीरों में से एक दरभंगा एयरपोर्ट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाई बहनों के लिए वरदान साबित हुआ है। इससे सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी है। दरभंगा हवाई अड्डे में पहले से विमान को पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरकार सुविधाएं बढ़ रही है और एक बड़ा टर्मिनल बनाकर और अधिक भूमि प्राप्त करके हम समस्याओं का हल करेंगे। बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे को उड़ान पहल के तहत विकसित किया गया है। उड़ान भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, जिसे अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय भी इस एयरपोर्ट को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। यात्रियों के सुविधाओं से जुड़ी कई अवस्थाओं और परेशानियों के बावजूद दरभंगा हवाई अड्डे से देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाली यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद बताया है। केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ती साख को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस हवाई अड्डे से बिहार के 17 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की बात कही है।
देश में कोरोना की वापसी को देखते हुए सतर्कता जारी है। राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हालात अभी भी नियंत्रण में है। 1 अप्रैल से बिहार में केंद्र की नई गाइडलाइन लागू की जाएगी। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों तरफ के इलाकों में पाबंदी संभव है, लेकिन अब पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर पाबंदी ही नहीं रहेगी। जिस इलाके में कोरोना संक्रमित मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, वहां पाबंदियां रहेंगी, लेकिन उसके बाहर सभी तरह की गतिविधियां हो पाएंगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अंदर हाउस टू हाउस सर्विलांस RT-PCR टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने के साथ साथ नए के सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट करने का या क्वारंटीन करने को कहा गया है। जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले आएंगे वहां असरदार तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। केंद्र की यह नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को टेस्टिंग की जा रही है और 1 अप्रैल से राज्य भर में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। असम और पश्चिम बंगाल की 77 विधानसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 80% और असम में 72.30% वोटिंग हुई है। शनिवार को पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों और असम की 47 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया गया। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के अंदर शाम 6 बजे तक और असम में 6:30 बजे तक वोटिंग का वक्त रखा गया था। पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग के दौरान शाम 6:50 तक 69.69% लोगों ने मतदान किया, जबकि असम में 47 विधानसभा सीटों के लिए 72.30% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए शाम 4 बजे तक के वोटिंग के जो आंकड़े जारी किए वह 79.27% तक माना जा रहा है कि वोटिंग के अंतिम आंकड़ा 80% के ऊपर जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे से ही ट्वीट करते हुए मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की थी। श्रम संसाधन विभाग ने निजी ITI में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य के निजी ITI के छात्र बिना क्लास किए परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विभाग के मुताबिक निजी ITI में दूसरे राज्यों से छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन वह क्लास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बिना क्लास किए कोई भी छात्र परीक्षा में नहीं बैठे। जून में विभागीय समीक्षा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस ITI में कितने छात्र हैं, कितनों ने नियमित क्लास किया है और उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में मिलान होगा। उसके बाद उस छात्र को परीक्षा टिकट दिया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता की शर्त पूरी करने में महज 3 दिन शेष बच गए हैं। ग्राम पंचायतों के मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए 31 मार्च की समय सीमा महत्वपूर्ण है। पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों के मुखिया या वार्ड सदस्यों द्वारा 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गई राशि की ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च तक नहीं सौंपेंगे, उनको अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार का निर्देश ग्रामीण नल जल योजना और पक्की गली नाली योजना को पूरा नहीं करने वाले वार्ड सदस्यों व पंचों को लेकर दिया गया है। जिन वार्डों ने काम पूर्ण नहीं किया होगा वहां के जन प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण पक्की गली नाली योजना और हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की राशि दी गई है। पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा और पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 5 वर्षों तक राशि दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर के परीक्षा में जो भी छात्र असंतुष्ट हैं वे 1 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 से 7 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। प्रति विषय 70 रुपये इसके लिए स्टूडेंट को देने होंगे। जितने भी विषय में छात्र चाहे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। स्क्रूटनी के लिए मिले आवेदनों की जांच की जाएगी। अगर किसी छात्र के रिजल्ट में संशोधन होता है तो संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा।
छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल स विशेष परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। कंपार्टमेंटल स विशेष परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल से शुरू होगा। परीक्षा 10 मई तक आयोजित की जाएगी। हवाई जहाज से होली पर घर आने वाले यात्रियों की संख्या अधिक हो गई है, लिहाजा स्पाइसजेट एयरलाइंस ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जानकारी के अनुसार इस समय दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु व अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट फुल रहती है। इसको मद्देनजर किराया भी बढ़ा दिया गया है। इन महानगरों से आने का एयर टिकट करीब 9000 हो गया है। दिल्ली व बेंगलुरु से दरभंगा का किराया 9000 के पार कर गया है। वहीं मुंबई से आने वाले यात्रियों के लिए 8000 में टिकट खरीदना पड़ रहा है, जबकि सामान्य दिनों में इन रूटों से दरभंगा आने के लिए यात्रियों को 4 से 5 हजार रुपया किराया लगता था। विधि तो दिल्ली व मुंबई के लिए दो दो फ्लाइट है, अहमदाबाद व बेंगलुरु के लिए एक एक उड़ान सेवा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर टर्मिनल की जगह कम पड़ रहा है। फ्लाइट आने जाने के समय यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में काफी परेशानी होती है, खासकर फ्लाइट विलंब होने पर समस्या और बढ़ जाती है। इस स्थिति में लोगों को कई घंटे तक टर्मिनल पर खड़ा होकर समय बिताना पड़ता है। दरभंगा टर्मिनल के बाहर भी यात्रियों को इंतजार करते देखा जा सकता है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं का अभाव है। कोरोना की वैक्सीन दो डोज लगवाने के बाद संक्रमण की पुष्टि होने पर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा संभव है, लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इस तरह के केस अधिक देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों ने भी करीब 82% तक वैक्सीन के असरदार होने की बात कही है। यदि कोई संक्रमित हो भी गया तो गंभीर होने की आशंका बेहद कम होती है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी रोजमर्रा का काम करना है। राज्यभर में शुक्रवार को 1,09,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिया गया है। इसमें 95,047 लोगों को कोरोना का पहला डोज जबकि 5,914 लोगों को कोरोना का दूसरा डोज दिया गया। कोरोना वैक्सीन का सर्वाधिक पहला डोज 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने लिया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।